आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले कि सफाई कर्मचारी की मांगों के उनका 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारी नगर पालिका परिषद के गेट पर पिछले 8 दिनों धरना दे रहे हैं। और इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी व नगर पालिका की ओर से कई बार उनसे वार्ता की गई, लेकिन हर बार वार्ता विफल हो रही है, जिसको लेकर आज नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सहला ताहिर ने सभी सभासदों के साथ एक मीटिंग कर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी से वार्ता की। इस दौरान दोनों से तर्क वितर्क होते रहे। आखिरकार पालिका अध्यक्ष व सफाई कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता विफल हुई। कर्मचारी ने वेतन न मिलने की, धरने से न उठने की बात कही। इसी दौरान सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अन्य जिले से आए नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सहला ताहिर का कहना है कि जब तक अधिशासी अधिकारी की पालिका में नियुक्ति नहीं होती, तब तक कर्मचारी का वेतन निकलता संभव नहीं आ रहा है। बरेली से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश, रमेश जी बताइए, यह धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? ये सर, वेतन एरियल 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, मतलब हमारा एरियल है और भी बकाया चीजें हैं। अच्छा, किस बात का आपकी जो तनख्वाह रोकी गई, किस बात को लेकर रोकी? हमें अभी तक शासन दिया गया था कि साहब ईओ साहब आ रहे हैं, वेतन आपका मिल जाए। अब ईओ साहब आ गए? ईओ अब भी नहीं आए 6 महीने। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी बताइए, क्या मामला है जी? क्या मामला जो आप धरना पर? हमारा वेतन है, टीएफ है, ये जमा धनराशि जमा ही नहीं हुई है और हमें चुतिया बनाया जाता है कि ये आ रहा है और अब तक ये चुतिया ही बनाते हुए चले आए 6 महीने, अभी तक यू नहीं है। ये कौन से पद में हैं जितने यहाँ पर लोग खड़े हुए? ये सब साहब परमानेंट कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं। अच्छा, कब से नहीं मिलता है ये सबको? 6-6 महीने की तनख्वाह होगी। 6-6 महीने जी। आपने इसे शिकायत किसी से की है? शिकायत की किसी से? शिकायत साहब डीएम साहब से की, आईडीएम साहब से भी की। क्या कहा? मुख्यमंत्री से भी की। क्या कहा? यही साहब वेतन के बारे में, साहब हमारा नहीं मिला है, पीएफ हमारा नहीं मिल गया, और बकाया चीजें हैं वो भी नहीं मिल रही। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा, बोले ऐसा है भी, वाने तो तभी इसका संशोधन होगा।